2022 ब्रेजा के बेस और सेकेंड बेस वेरिएंट जो LXi और VXi वेरिएंट के नाम से जाना जाता है उसको लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो वो कन्फ्यूजन मैं थ्रू आउट वीडियो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों बहुत सारी चीज़ें आपको एक समझदारी के तौर पे डिसीजन मेकिंग लेनी चाहिए जो आपके लिए आने वाले समय में फ़ायदेमंद हो। सबसे पहली बात, जो LXi वेरियंट है उसकी कीमत 8 लाख रुपये है, और वहीं पर अगर आप VXi वेरियंट लेते जो सेकेंड बेस मॉडल है तो उसकी कीमत है 9.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए किसी दो वेरिएंट में डिफरेंस आना ये बड़ी बात नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ हो जाएगी, पर इस 1.5 लाख में आपको मिल क्या रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले LXi वेरिएंट को समझते हैं, फिर VXi वेरिएंट को मैं थ्रू आउट आपको एक वीडियो कन्फ्रंटिंग से बताता हूँ। तो जैसे LXi वेरिएंट अगर आप लेते हैं तो सिंपल सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हो जाएंगी उसमें। आपको कोई भी प्रकार का टच स्क्रीन या फिर म्यूज़िक सिस्टम मिलेगा नहीं, पीछे आपको डिफॉगर नहीं मिलते हैं, सामने का अगर आप लुक देखेंगे तो एज इट इज़ आपको खूबसूरत सा डिज़ाइन मिलता है जो आपको सेकेंड बेस मॉडल में मिलेगा, और पीछे का भी हेडलैम्प्स आपको वैसे ही मिलता है। तो चीज़ें जो डिफरेंट हुई हैं वो पीछे वाले जो ओपनिंग डोर है उसके लिए डिफॉगर का, जो थोड़ा बहुत एक मैचिंग फैक्टर लगता है बट उतना ज़्यादा भी इफेक्टिव नहीं है। और दूसरा एक है म्यूज़िक सिस्टम। अब म्यूज़िक सिस्टम जैसे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, पहले इलेक्ट्रॉनिक में टैली कर लेता हूँ उसके बाद दूसरी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो इलेक्ट्रॉनिक में ठीक है, आपको सिंपल सी बात है कि बाहर से कुछ भी चीज़ अटैच नहीं करवाना पड़ेगा, आपको एक सटीक सिस्टम मिल जाएगा विच गोना अफेक्ट, और वो आपके बहुत सारे कामों में मदद आएगा। पर वहीं अगर आप बेस्ट कैमरा लगाना पसंद करते हैं या थोड़ा बड़ा स्क्रीन चाहते हैं तो ऑफ कोर्स वहाँ पर आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। वही चीज़ आप बेस मॉडल लेके एक बड़ा स्क्रीन जो 8-9 इंच का होगा वहाँ पर इत्मीनान से लगा सकते हैं, जो कैमरा भी सपोर्ट करेगा। पीछे डिफॉगर हाँ कुछ मामलों में इफेक्टिव होता है, पर इतना भी इफेक्टिव नहीं कि उसके लिए आपको इतना लाख रुपए खर्चा करना पड़े। फिर दूसरी चीज़ आती है कंफर्ट के बारे में। तो सीट का सामने ऑफ कोर्स आपको इक्वलेंट ही मिलता है जो कंफर्ट के रूप में देगा। वहीं पर अगर आप इससे ऊपर मॉडल चाहते हैं तो आपको एक अच्छे प्रकार के कवर्स मिलते हैं जो कि सीट की मजबूती थोड़ा ज़्यादा और एक प्रीमियम टच देता है। पर इस बेस मॉडल में एक चीज़ जो मिसिंग है वो है इसके पीछे का हेडरेस्ट। हेडरेस्ट वहीं आप नोटिस करेंगे तो थोड़ा सा दुख लगता है क्योंकि हेडरेस्ट नहीं दिया है बेस मॉडल में। दैट इज़ रियली ब्लोन अवे थिंग फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद इसमें देना चाहिए था, क्योंकि पीछे अगर हेडरेस्ट रहता तो कंफर्टेबल, कभी भी लॉन्ग ड्राइव में गाड़ी जाती है तो पीछे सर रख के इत्मीनान से हो सकते हैं। यही चीज़ आपको VXi वेरिएंट में भी मिल जाएगा देखने। अब VXi वेरिएंट को ओवरऑल समझते हैं, और प्रिफरेबल टर्म में लास्ट कंक्लूजन आप बताइएगा कि कौन सी चीज़ें आपको बेहतर लगी। उसका सेकेंड बेस मॉडल लेकर आया हूँ जो VXi वेरिएंट के नाम से जाना जाता है, और जैसे आप कीज़ देख रहे होंगे तो कुछ इस प्रकार के की सिस्टमेट इसमें मिल जाता है विच इज़ क्वाइट डिसेंट इनफ। सबसे पहले बाहर का अगर मैं कवरिंग करूँ तो क्या क्या यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलता है, वही अगर आप इसके एक मॉडल ऊपर जाते हैं तो इसमें DRL सेटअप शुरू हो जाता है और इंडिकेटर यहाँ पर ही एडजस्ट है। एक बेस्ट चीज़ मुझे इस व्हीकल की ये लगी कि यहाँ पर आपको इंडिकेटर जो मिरर में अटैच मिलता है, और पहले जैसे यहाँ पर जो दिया रहता था फेंडर्स पे उसमें थोड़ा सा ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता था, बट दिस लुक प्रिटी गुड एंड डिसेंट। अब जैसे इस व्हीकल की बात करें तो सिल्वर एक बहुत ही अट्रैक्टिव कलर है, क्योंकि इसका भी पहले सिल्वर का ग्लेंस जो अर्टिका में अपन देख चुके हैं सेम एज इट इज़ इसमें भी देखने मिलता है। जैसे वही नॉर्मल अगर मैं बोलूँ क्या क्या चीज़ें चेंजेस और बेस्ट है जो बेस मॉडल में भी मिल जाएगी, तो आपको सेम क्रोम टच और सेम फ्रंट ग्रिल ये मिलता है, जिसमें सुजुकी ऑफकोर्स आपको क्रोम टच में मिलेगा ये दोनों कलेक्शन, और बम्फर कुछ ऐसे ही मिलेंगे। पर वहीं पर अगर आप एक मॉडल ऊपर जाते हैं तो इसमें सिल्वर कलर की लाइनिंग मिल जाती है जो कि एक प्लस पॉइंट साबित होता है। फिर जैसे बेस मॉडल के कंपेयर में अगर आप देखें तो साइड के ग्लेंस में इक्विवेलेंट आपको मिलता है, पर इससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो नेक्स्ट वेरिएंट में आपको पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पर टच देखने मिलता है, और सबसे ऊपर आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। अब जैसे व्हील कैप के बारे में बात करें तो वो भी मैं आपको कवर करके बता देता हूँ। तो VXi वेरिएंट में आपको 16 इंच के व्हील सेटअप मिलते हैं, और अगर सेक्शन के बारे में बात करें इस ग्रिपिंग के साथ तो 215/60
का इसमें सेटअप मिलता है और कुछ इस प्रकार से ग्रिपिंग प्रोवाइड कराए गए हैं विच इज़ क्वाइट गुड एंड डिसेंट इनफ, जो कि आने वाले समय में बहुत काम आएगा। साइड का लुक अगर आप देखें तो वो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें नीचे का ग्लेंस है ये प्रॉपरली सिल्वर कलर के साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर कलर्स। फिर डो हैंडल्स ऑफ कोर्स आपको सेम बॉडी कलर में मिलते हैं बेस मॉडल से ही। VXI वेरिएंट सबके दिमाग में क्यों आता है वो मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे आप VXI वेरिएंट प्रेफर करते हैं तो आपको इंटीरियर में बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे, जिसमें सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है जो होने वाला है वो है इसका डिस्प्ले फॉर्मेट। तो सबसे गजब बात यह है कि आपको MID स्क्रीन जो है सामने इसी प्रकार का ऑफकोर्स बेस मॉडल के कंपैरेटिवली टर्म में इक्वलेंट मिलता है, जिसमें ये एनालॉग फॉर्मेशन, ये भी एनालॉग है, इसमें RPM बताता है, इसमें कितने किलोमीटर्स पर RPM गाड़ी चल रही है वो जानकारी बताती है। पर सबसे प्लस पॉइंट इसका ये साबित होगा कि इसका जो इंटीरियर में सबसे अट्रैक्टिव पार्ट जो सेंटर कंसोल के लिए ऑफकोर्स साबित हो रहा है वो है इसका टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम। और जैसे टच स्क्रीन दिया है ना, तो आई थिंक VXI मॉडल अब प्रेफरेबल टर्म में एक अपटोन साबित हो गया है, क्योंकि इसी के कारण बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्टिव ऐसी है जो आपको एक्स्ट्रा नहीं करवानी पड़ेगी। सबसे पहली बात, जैसे बाहर से भी अगर आप लगाते हैं तो ऑफकोर्स ये कपलर टू कपलर ही लगता है इंटीरियर के सिस्टमेट में, पर आपको पहले से लगा लगाए मिल रहा है, सो इट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द प्लस टर्म और बेस मॉडल के कंपेयर में यहाँ आपको लाइनिंग प्रोवाइड करेगी। स्क्रीन से आप पूरी तरीके से वाकिफ हैं तो मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा रहा हूँ, बट मेरे मानना यह है कि टच काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सिव है और जितना एक प्रकार से इस व्हीकल में होना चाहिए वो इसमें दिया हुआ है। तो अगर आप 1.5 लाख ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जो बेस मॉडल से 8 लाख से बढ़कर 9.5 लाख हो जाता है, तो इस 9.5 लाख के रेंज में आपको जो चीज़ें मिलती हैं वो बिना किसी टेंशन और झंझट के गाड़ी खुलवाने के ये सिस्टमेट सेटअप मिलता है। फिर जैसे ये लाइनिंग है, ये ऑफकोर्स मैं बताती हूँ बेस मॉडल में नहीं है, तो बेस मॉडल में जैसे आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले नोटिस करेंगे कि पूरी तरीके से ये ब्लैक फॉर्मेशन पे दिया हुआ है, तो ये चीज़ें उसकी थोड़ी सी मेरे को कम प्रीमियमनेस दिखती है। पर जैसे ही आप VXI मॉडल प्रेफर करते हैं तो यहाँ पर आपको एक गजब सा सिल्वर टच मिला है, जो कि आने वाले समय में एक गजब चीज़ों की तरह काम आएगा। फिर यहाँ पर 12 वोल्ट के सॉकेट और USB कनेक्टिंग के लिए ये दिया हुआ है, और यहाँ पर जैसे आप नोटिस कर रहे होंगे तो 5 स्पीड ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, तो आपको ऐसा कुछ गियर नॉब मिलेगा जिसमें ये पोर्शन है ये क्रोम टच में मिलता है। फिर जैसे आप नीचे जाएंगे तो कप होल्डर्स यहाँ पर दिए हुए हैं और हैंड ब्रेक के लिए यहाँ, जिसमें हैंड ब्रेक का सबसे टॉप पोर्शन है ये क्रोम टच में दिया हुआ है। फिर कुछ चीज़ें रखने के लिए यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाएंगे। अब जैसे एक कंसर्न मेजर ये रहता है कि सीट इसमें कैसे मिलते हैं, तो सीट की कुशनिंग भी सफिशेंट है और एक ठीक ठाक क्वालिटी का आपको इसमें मिलता है, और ये साइड का जो उठा हुआ पोर्शन है ये आपको ग्रिपिंग में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त साबित होगा। तो एक बार आप पॉज करके इसकी क्वालिटी कैसी है वो एक बार देख लीजिएगा। फिर साइड को ही अगर मैं कवर करूँ तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे तो ये कुछ इसमें कंट्रोल सिस्टमेट दिया जो पूरा ब्लैक फॉर्मेशन पे है, ऐसा कोई क्लासी टच नहीं लगता है। पर जैसे डैशबोर्ड में क्लासीपन ये दिया हुआ है, आई थिंक यहाँ भी कवर कर देना, तो बट VXI मॉडल के हिसाब से दिस इज़ गुड इनफ, और यहाँ भी सिंपल प्लेन ब्लैक में आपको मिलता है। और ये फॉर्मेशन अगर मैं पूरी तरह से टैली करूँ तो ये ऊपर वाले जो है वो प्लास्टिक में, और ये जो है ये कपड़े फॉर्मेशन पे दिए हुए हैं, जो आप छू के देखेंगे तो काफ़ी आपको अच्छा महसूस होगा। तो जैसे पीछे तरफ जाएँ तो पीछे भी व्हीकल की बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें सेम एज इट इज़ सामने का है पीछे भी वैसे ही दिया हुआ है। और हाँ, जैसे इस मॉडल के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स बेस मॉडल के कंपेयर में आपको स्पीकर्स मिलेंगे, जो कि बेस्ट पॉइंट है। फिर जैसे पीछे की तरफ मैं आऊँ तो यहाँ AC के विंड्स दिए हुए हैं, जिसको आप अप डाउन और क्लोज या ओपन या जितना स्पीड आप चाहते हैं उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं, और यहाँ पर कोई भी क्रोम टच नहीं देखने मिलता है। क्यों इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आप ऊपर मॉडल में जाते हैं तो एक अच्छा खूबसूरत सा यहाँ आपको देता है, जिसमें सॉकेट के लिए यहाँ पर ओपनिंग स्पेस के ना देते हुए प्लास्टिक से कवर कर लिया गया। जो आप अपर मॉडल जाएंगे तो आपको इसमें एक बेहतर चीज़ें दिखेंगे। अब मैं लगभग आपको इसका मेन चीज़ बता देता हूँ। तो फिलहाल मैं 5'10" हूँ और उसके हिसाब से इतना लेग स्पेस मुझे मिल रहा है, और गाड़ी का जो सामने का पोर्शन वो डिसेंट पीछे हुआ है। तो अगर आप इस हाइट से कंपेयर करें तो आपको डेफिनेटली एक सफिशेंट पैमाने में बैठना मिल जाएगा।
पीछे का भी अगर डोर सिस्टमेट देखें तो वो कुछ इस प्रकार से है। ब्लैक फॉर्मेशन भी अट्रैक्टिव लगता है अगर आप ऊपर मॉडल के कंपेयर करेंगे, सो उसमें एम्बेड लाइट वगैरह मिलने शुरू हो जाता है। पीछे से लुक ऑफकोर्स ब्रेजा का बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सिल्वर कलर में भी काफ़ी चीज़ें दब के आ रही है। जैसे व्हाइट फॉर्मेशन में देखेंगे तो व्हाइट जब कलर रहता है बॉडी का, तो इसके साथ ये अटैच थोड़ा ब्लैक फॉर्मेशन में उभरा हुआ लगता है, बट इट्स प्रिटी गुड ऑन द सिल्वर कलर, क्योंकि ये सिल्वर जो है वो प्योर सिल्वर ना देते हुए थोड़ा सा ब्लूइश फॉर्मेशन पे है, जो आई थिंक एक बेटर साबित होगा। फिर पीछे से लुक अगर आप ब्रेजा का महसूस करेंगे तो वो कुछ ऐसा ग्लिम्स देता है। और वहीं पर इस मॉडल में डिफॉगर दिए हुए हैं, विच इज़ दी बेस्ट टर्म फॉर दिस व्हीकल, बट इसमें वाइपर आपको देखने नहीं मिलता है। पीछे ऑफकोर्स ये लाइट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसका बेस मॉडल से ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा, विच इज़ डेफिनेटली गुड थिंग। और ऑफकोर्स आपको वी एक्स आई लेते हैं तो इसमें भी वो चीज़ें मिल जाती हैं। फिर नीचे के बम्फर को अगर आप टैली करें तो यहाँ रिफ्लेक्टर के साथ सेंसर्स आपको देखने मिलते हैं जो कि पीछे चार दिए हैं। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आई थिंक वी एक्स आई वेरियंट भी सफिशेंट है, क्योंकि आपको शार्क फिन एंटीना जो बेस मॉडल से मिलता है इसमें बहुत सारी चीज़ें अटैच हो जाती हैं। इंटीरियर में बहुत गजब का चेंज आता है जिसके कारण आप इस व्हीकल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको ये व्हीकल कैसे लगा मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ताकि बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाए कि ये कलर ज़्यादा बेहतर है या दूसरा वाला। सो ये था क्विक डिटेलिंग अबाउट दी मारुति सुजुकी ब्रेजा। आपको कैसे लगा मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।